यार क्या 2024 में ही हम सबका इंटरनेट खत्म होने वाला है? क्या 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? और इसी साल को लेकर सिम्पसंस वालों ने इंडिया पर क्या क्या प्रिडिक्शंस कर रखे हैं जिनके सच होने के चांसेस काफी ही ज्यादा हैं। तो यार देखो, अगर प्रिडिक्शंस की बात की जाए तो आपके मॉडर्न जमाने में लोग किसी बाबा के पास नहीं बल्कि इस कार्टून वाले बाबा के पास आते हैं, क्योंकि आजकल इन्हीं की प्रिडिक्शंस ज्यादा सच हो रही हैं। तो यार अब जब 2024 स्टार्ट हो ही गया है तो क्यों ना इनके कुछ ऐसी फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में हम जान लेते हैं जो है लिटरली 2024 में सच होते दिख रहे हैं। AI Takeover। हीरो सिम्पसंस के सीजन 23 के एपिसोड 17 में हमें दिखाया जाता है कि कैसे AI के वजह से, यानी कि रोबोट के वजह से होमर सिम्पसंस का जॉब चला जाता है। और वह इसमें जो व्यू पॉइंट दिखाया जाता है वो अब के, यानी कि 2023-24 से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। और यार ये तो आपको पता ही होगा कि 2023 के एंडिंग से ही AI टूल्स कितने ज्यादा पॉपुलर बन चुके हैं, पहले ChatGPT, फिर Snapchat का AI, फिर Twitter का Grok, और तो और अब रनवे जैसे AI का कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज किया जा रहा है, जो कि भाई क्लियर बता रहा है कि 2024 में AI और भी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है और सिंपली इंसानों के कई जॉब्स लॉस होने वाले हैं। यार इस प्रेडिक्शन के सच होने के चांसेस काफी ही ज्यादा हैं। और वैसे सच में AI की वजह से जॉब लॉस होना स्टार्ट हो चुका है, खास करके फोटो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में भी। तेरा क्या होगा कालिया? सोलर सुपरस्टॉर्म। तो यार अगर आपको साइंस रिलेटेड न्यूज जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये तो पता ही होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स ने 2024 में होने वाले सुपर सोलर स्टॉर्म्स को लेकर हमें चिताया है। यार ये सोलर स्टॉर्म इस बार इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि इसे सैटेलाइट, इंटरनेट एंड लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिकल चीजें काम करना ही बंद कर देंगी, और ये लिटरली हमारे इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। यार 6 जनवरी 2013 को रिलीज हुए सीजन 24 के एपिसोड 9 का जरा ये सीन देखो। भाई मुझे नहीं पता है कि ये सच होने वाला है या फिर नहीं, बट अगर हुआ तो लिटरली हमें 2024 में फिर से कबूतरों की जरूरत पड़ने वाली है। सिम्पसन्स के 2015 में आए एक एपिसोड में होमर बस कुछ सेकंड्स के लिए एक साइन के बाजू से गुजरता है और उस साइन पर लिखा होता है ट्रम्प 2024, जो कि मानो ऐसा कुछ बता रहा है कि 2024 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बन सकते हैं। और भाई कमाल की बात तो ये है कि ट्रम्प ने ऑलरेडी 2024 के इलेक्शन के लिए फॉर्म तैयार कर लिया है, और अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है यानी कि जो बाइडेन, उनके प्रेसिडेंसी से लोग खुश नहीं है। आप अगर किसी भी अमेरिकन चैनल पर देखोगे तो उनके खिलाफ आपको कई सारे कंप्लेंट्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उनके इस बार जीतने के चांसेस काफी कम है। ट्रंप यहाँ पर सच में जीत सकते हैं और सरप्राइजिंगली प्रिडिक्शन ट्रू भी हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 होगा। तो यार ये वाली प्रिडिक्शन बहुत ही ज्यादा क्रेजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यार 1987 के एक एपिसोड में लिटरली होमर सिम्पसन ने अपने फैमिली के साथ प्रैंक किया था और बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 2024 में होने वाला है। भाई ये लाइक हिंट भी नहीं बल्कि सीधा ऐसा ही बताया गया था। और भाई अगर देखा जाए तो पिछले 50-100 सालों में दुनिया अभी सबसे ज्यादा करीब है वर्ल्ड वॉर 3 के। भाई कई कंट्रीज तो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं और उसमें से कुछ मेजर कंट्रीज भी हैं जैसे कि रसिया, इसराइल। और भाई यहाँ भी बात खत्म नहीं होती, और भी कई कंट्रीज के बीच काफी रिस्की सिचुएशन चल रही है। और भाई अगर प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो काफी पॉपुलर हुई भविष्य मलिका में भी यही लिखा है कि 2024 में काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है। कलयुग, घोर कलयुग। टेकिंग ओवर मार्स। यार सिम्पसंस के एक एपिसोड में लिसा सिम्पसंस बताती है कि कैसे गवर्नमेंट लोगों से साइन करवा रही है मार्स पर जाने के लिए, और रियल वर्ल्ड में भी 2024 में कई सारे मार्स मिशन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। भाई कई कंट्रीज इस साल मार्स पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो मार्स पर सैटेलाइट भेजने की बात हो या फिर इंसानों की भेजने की। नासा ने तो 2025 के स्टार्टिंग तक एस्ट्रॉयड पर लैंड करने की बात भी की हुई है। और भाई इलॉन मस्क ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 2024-25 तक मार्स तक जाने के लिए उनकी कंपनी भी स्पेशल रॉकेट्स बना रही है, जो कि भाई ये बताने के लिए काफी है कि साल काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल मार्स पर जाने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। भाई अब जब डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो ही रही हो तो भला हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं। हीरो सिम्पसंस के बैक टू द फ्यूचर एपिसोड में लिसा को फर्स्ट यूएस फीमेल प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया जाता है, और पिछले कुछ वक्त में यूएस पॉलिटिक्स में कमला हैरिस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि यही 2024 में फर्स्ट फीमेल यूएस प्रेसिडेंट बनेंगी। और यार यहां सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इनके कपड़े लिसा के प्रेसिडेंट के कपड़े से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। पर भाई यहां सरप्राइजिंग से ज्यादा तो कॉन्ट्राडिक्टिंग बात तो यह है कि सिम्पसंस के दो प्रेडिक्शन आपस में ही टकरा रहे हैं। फिर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा प्रिडिक्शन सच होता है या फिर भाई दोनों ही फेल हो जाते हैं। बेबी ट्रांसलेटर। गाइस सिम्पसंस के थर्ड सीजन के एपिसोड 24 में हमें एक बेबी ट्रांसलेटर को दिखाया जाता है, यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि बच्चों के बोले गए गिब्रिश को ट्रांसलेट कर देती है और हमें बताते हैं कि वह बच्चे क्या कहना चाहते हैं। अब यार देखो, जॉन ड्रीम नाम की एक स्विस कंपनी भी है जो कि रियल वर्ल्ड में यही एग्जैक्टली करना चाहती है। इन्होंने लेट 2023 में एक मशीन भी बनाई है और अब उसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट चल रही है, और इसके डेवलपमेंट स्पीड को देखकर यह लग रहा है कि इसे 2024 में रिलीज किया जा सकता है। फिर भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए तो ये बस एक फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है, और ये देखना काफी
काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये रियल लाइफ में कैसी एप्लीकेबल होती है। भाई कुछ पता हो या फिर ना हो, बट हमारे कई सूत्रों के हिसाब से तो ये पता चला है ये मशीन काफी ज्यादा महंगी होने वाली है। और यार रियल बात तो ये है कि भाई अगर ये मशीन 70% भी एक्यूरेट काम करती है, फिर बच्चों के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, जो कि सिम्पसन्स के एपिसोड में भी प्रिडिक्ट किया गया था। अब यार यह एक लास्ट ऐसी चीज है जो कि लगभग हर साल प्रिडिक्ट होती है, और सिम्पसन्स ने इसकी प्रिडिक्शन कई एपिसोड्स में की है। तो भाई लोग ये मान रहे हैं कि शायद ये प्रिडिक्शन 2024 में ट्रू हो जाए, और फाइनली 2024 ही वो साल होगा जब जॉम्बी अपोकलिप्स होगा। वैसे यार अगर सिम्पसन्स के एपिसोड की बात करें तो उसमें एक फास्ट फूड चेन से ये जॉम्बी वायरस फैला था, और 28 दिनों में ये पूरे ही स्प्रिंगफील्ड में फैल चुका था। वैसे अगर ये सच में होगा तो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हो? मैं तो भाई गेम खेल खेल कर इससे रेडी हो चुका हूँ लड़ने के लिए। भाई कॉकरोच, भाई कहाँ भागो? भाई अगर आपने व्हाट द फैक्ट की ये वाली सिम्पसन्स की वीडियो को देखा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि सिम्पसन्स के एक एपिसोड में हमें ये एक बूढ़ा कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ये जोक मारता है कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और उसके बाद बोलता है कि शायद मैंने ये बहुत पहले ही बोल दिया, जो कि भाई कहीं ना कहीं एक तरीके का ये गेस या फिर प्रिडिक्शन है कि इंडिया फ्यूचर में पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और भाई फॉर्चुनेटली शायद ये 2024 में हो, क्योंकि अभी हाल ही के सालों में इंडिया और पाकिस्तान के उतने भी बुरे रिश्ते नहीं है जितना रशिया यूक्रेन या फिर इसराइल या पैलेस्टीन का हो। वैसे यार अगर आपको सिम्पसन्स के के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से जानना हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो को देख सकते हो, वीडियो के लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यार अब इतने प्रेडिक्शंस के बाद मीम्स तो बनते हैं ना। माय फ्रेंड आफ्टर विनिंग वन कस्टम गेम, तो मेरे को वन वर्सेस कस्टम में रहेगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रोल नंबर। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रोल पैसे वाला सीन नहीं है, रोल नंबर। POV, you are trying to finish 20 chapters 2 minutes before exam. भाई यार कितने भी मीम्स बना लो, बट सच बात तो ये है कि सिर्फ वही 2 मिनट्स में हम लोग कम से कम 2 महीने की पढ़ाई कर लिया करते थे। एग्जाम सीन, रोल नंबर 16, रोल नंबर 17। और भाई मजे की बात तो ये होती थी कि ऐसा करने पर हमारे स्कूल में रोल नंबर 17 का ज्यादा मार्क्स आता था 16 से। हिंदी टीचर, तू आज स्कूल क्यों नहीं आया? आज तो टेस्ट था। सर आज मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है कल आना, तेरा टेस्ट कल होगा। किचन बी लाइक, भाई पहले मुझे ये बताओ कि इस डॉग ने ये लकड़ी कैसे पकड़ा है? मी आफ्टर गिविंग हॉटस्पॉट टू माई फ्रेंड्स, हेल्पिंग द पुअर इज माई पैशन। फाइनली फाउंड हिम। अरे भाई साहब एक मिनट, अरे भाई ये वही है ना जिसके नितंब पर टॉम प्रसाद देता है। दिन में सूरज, रात में तारे होते हैं, और व्हाट द फैक्ट की वीडियो को लाइक करने वाले बड़े प्यारे होते हैं। तो यार समझ गए ना। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।